तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए पांच ऐसी कोरियन ड्रामा वेब सीरीज लेकर आया हूं जिसे आप YouTube पर हिंदी में देख सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आप उन्हें YouTube पर हिंदी में और बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और ना ही आपको इन्हें देखने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत होगी। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको जो भी वेब सीरीज पसंद है आप इस वीडियो के बाद सीधे उसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। नंबर पांच पर है येनम फैमिली। देखो ना वो कितना हॉट है, क्या सच में? यह बेसिकली एक फैमिली ड्रामा सीरीज है जो कहानी फॉलो करती है तीन भाई बहनों की। एक दिन उनके पिता के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि छह महीने के भीतर जो सबसे पहले शादी करके आएगा उसके नाम वो अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देंगे। अब क्या तीनों अपनी अपनी शादी की तैयारी में लग जाते हैं और इस बीच जो कुछ भी घटता है यही इस वेब सीरीज की बेसिक स्टोरी लाइन है। इसे एक पूरी ड्रामा सीरीज ना कहकर एक मिनी सीरीज कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आपको इसमें 20 मिनट के लगभग के टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर आप इस मिनी सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 7 की है। नंबर चार पर है टू बी ए बेटर मैन। ये एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी रोमांस सीरीज है जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है लू युआन की जो एक शेफ बनने के लिए अमेरिका जाता है पर इसी दौरान उसके एक फ्रेंड की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसके कारण उसके दोस्त की प्रॉपर्टी और उसकी बेटी पेंग जिहाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है जब तक कि पेंग जिहाई 18 साल की ना हो जाए। अब लू युआन पेंग जिहाई और अपने दोस्त की अस्थि को लेकर चाइना वापस आ जाता है। अब लू युआन के वापस आने के बाद उसके पास की कौन कौन सी चीजें उससे टकराती हैं और जैसा कि इस वेब सीरीज का टाइटल है टू बी ए बेटर मैन, क्या वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा और क्या वो पेंग जिहाई की जिम्मेदारी संभाल पाएगा और भी बहुत सारी बातें आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलती हैं, जिसे आप YouTube पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 की है। नंबर तीन पर है मेल्टिंग हार्ट। यह एक कॉमेडी फैंटेसी रोमांस सीरीज है जिसकी कहानी शुरू होती है 2017 में जब सिनवो को रिग्रेट होता है कि काश 10 साल पहले उसने अपने दिल की बात अपने पहले प्यार को कह दी होती। फिर एक इंसिडेंट के बाद उसे यह मौका मिल जाता है और वो पास्ट में 10 साल टाइम ट्रेवल करके 2007 में पहुंच जाता है। पर अगर सब कुछ इतना आसान होता तो ये वेब सीरीज बनती ही नहीं क्योंकि पास्ट में उसके टक्कर का एक कॉम्पिटिटर है और वो कोई और नहीं 2007 का वो खुद है। और बस कहानी यहीं से आगे बढ़ती है और आपको एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर ले जाती है। अब क्या 2017 का सिनवो अपने प्यार का इजहार कर पाएगा या 2007 वाले सीन उसे वो हार जाएगा और भी बहुत सारी बातें आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलती हैं। अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube और MX Player दोनों पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है। नंबर दो पर है बॉयज ओवर फ्लावर्स। यह एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज है जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक पुअर गर्ल ग्यूम जैन डी को जिसे कोरिया के एक मोस्ट एलिट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है जहां पर F4 नाम के चार रईस लड़कों का एक ग्रुप है जो सबों को बुली करता रहता है और इनसे सभी लोग परेशान है, यहां तक कि टीचर्स भी इन्हें कुछ नहीं बोलते। और इसी ग्रुप में से एक ग्यूम जैन डी को पसंद करने लगता है पर उसे अपने एक बेस्ट फ्रेंड पर क्रश है। अब ग्यूम जैन इन दोनों में से किसे चुनेगी और भी बहुत सारी बातें आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलती है जिसमें आपको बहुत सारे इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर सब कुछ देखने को मिलता है। और यह एक अच्छी वेब सीरीज है जिसे आप YouTube पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है। और पहले नंबर पर है सीक्रेट गार्डन। यह एक कॉमेडी फैंटेसी रोमांस सीरीज है जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक अमीर हैंडसम किम जो वॉन को जिसे एक दिन उसका कजिन ओसाका रिक्वेस्ट करता है कि वो शूटिंग से एक एक्ट्रेस पार्क चाय रिन को पिकअप करके ले आए। अब वो जाता तो सही है पर गलती से एक्ट्रेस की जगह वो एक स्टंट वुमन गिल रैम को ले आता है और बाद में जब उसे पता लगता है कि वो एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक स्टंट वुमन को ले आया है तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि इस दौरान जो वॉन को उस स्टंट वुमन गिल रैम के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी है। हालांकि जो वॉन को पता है कि वो उसके लेवल या क्लास की नहीं है फिर भी वो अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अभी लव स्टोरी कौन से करवट लेगी और उन्हें कौन कौन से बाधाओं को पार करना होगा और क्या क्या ट्विस्ट और टर्न्स छुपे हुए हैं इसकी कहानी में आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। यह एक अच्छी वेब सीरीज है जिसे आप YouTube पर हिंदी में देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 की है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इनमें से कौन कौन सी वेब सीरीज देख ली है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।